बंधुआ मजदूर हैं, हम तो आजादी की बात करते हैं कि हमको आजाद कर दो, क्यों हमारे साथ ऐसा काम कर रहे हो भाई? आप आइए, हमने केसीसी दी है, हम पैसा देंगे, लेकिन केसीसी तब पैसा देंगे जब फसल कटेगी। फसल कटेंगे कौन गए तहसीलदार साहब, डाक्टर, सिपाही लेके कौन फलाने के कारण इनको बैठा गाड़ी में? ये कौन सा तरीका है? मैं पूछता हूँ कैसा तरीका है? आप कई किसान के घर से बैठ कर बात करिए। आपकी ड्यूटी है कि आप हम जनता से कैसे बात करेंगे। अगर कोई अधिकारी जनपद वाराणसी में किसी किसान से अपमानित बात करेगा, राजनीतिक का एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारी चोरों की आंखों में आंख डाल के बात करेगा और कहेगा कि तुम चोर हो। होती है बचे हुए 7 महीनों में तो क्या कुछ करेंगे? मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, मैंने पत्राचार माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने वोट दिया है, बस मौजूदा सरकार को, हमने इन अधिकारियों को वोट नहीं दिया। तो मैंने उनसे कहा है कि साहब 122 करोड़ रुपया जो मेरे हक का था वो कहाँ गया? और अभी तो 122 करोड़ की बात नहीं है, अभी जब खोदा जाएगा तो आजादी से लेकर आज तक जितनी सरकारें रही हैं सबने लूटा होगा। तभी तो आज मेरा बेटा किसान बनना नहीं चाहता है, क्या वजह है? अब मैं आपको बता दूं, जो पंचायत आपने जो करी पंचायत करी है, इससे आप एक मैसेज भी दे रहे हैं, अगर बातें नहीं मानी तो क्या इसका रूप बदले? किसानों को छलने का सबसे ज्यादा जो काम किए हैं वो चंद किसान नेता हैं। आपने देखा 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन हुआ, पूरे देश के किसान की भावनाएं जुड़ी उस आंदोलन से, लेकिन कोई एक किसान बता दे कि उसको 5 पैसे का लाभ मिला हो? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि चंद किसान नेताओं ने अपनी जेबें भर के किसान के विश्वास का हनन किया है, तो कैसे भला होगा? इसीलिए किसान भाइयों, जो आपके हक की बात करे उसके साथ आप आइए। ये हम अपने संगठन के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से कह रहे हैं, और 25 सितम्बर को हम सरकार से बैठ कर बात करेंगे कि जो आपने वादे किए थे। चीनी मिल सरकार ने कहा निकालिए वीडियो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बंद चीनी मिलें चालू कराई जाएंगे। आज तक चीनी मिलें चालू हुई क्यों नहीं चालू हुई? 24 घंटे बिजली देने की बात की सरकार ने, खैर ट्यूबवेल की बात की कि बिजली बिल माफ हो जाएगा, हुआ? लोहिया जी ने एक बात कही थी कि हम किसानों को कुछ नहीं चाहिए, हमारे खेतों तक पानी और हमारे गांव तक रास्ते दे दो, हमारा विकास हो जाएगा। क्या हुआ आज तक? धरातल पे आज चले जाइए, आज भी 60% जो है हमारी खेती ट्यूबवेल पे होती है, नहरों की व्यवस्था नहीं, और जहां नहरों की व्यवस्था है वहां सफाई नहीं होती, और जहां सफाई हुई भी है तो इतनी सफाई कर दी कि पानी आते ही नहर कट जाती है। आप इस जनपद में जानकारी कर लीजिए बाढ़ राहत क्षेत्र कितना है, पिछले साल का पैसा अभी जो फसल बर्बाद हुई नहीं मिला है। हम क्या बात करें, सरकार पैसा दे रही है तो बीच में खाया जा रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि भाई इस बात पे सरकार स्पष्ट करे, ये पैसा कहाँ जा रहा है जो आप दे रहे हो? आप कहते हो कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, और ये चंद अधिकारी जो बैठे किसान की आय दुगनी कर रहे हैं, कहे कर रहे हो भैया? ये बताओ, ये हमारे हक का पैसा है। और मैं एक बात बता दूं, हमारे किसान भाई सब सुन रहे हैं, ठीक, अगर कोई अधिकारी चाहे जो हो, ठीक है, एक सरकारी मुलाजिम पब्लिक, लोकतंत्र में पब्लिक सर्वेंट होता है, उसको जनता की राजस्व से है तो जमीन की देखरेख, पुलिस विभाग से है तो लाइन ऑर्डर मेंटेन करना, ये जिम्मेदारी होती है उसकी। और जियो पढ़ लो सामंजस्य से, ये नहीं कि किसान के घर पहुंचो तो आप वहाँ तुर्रम खाई दिखा रहे हो और वहीं बगल मांगर 2 मंजिल घर बना, बाहर एक नेम प्लेट लगी है तो बिल बजा के सम्मानित बात करते हो, तो ये कैसा? संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, अगर एक किसान है और एक बिजनेसमैन है तो एक ही कुर्सी पर बैठेगा वो सम्मानित, ये हम चाहते हैं। ये देख रहे हैं आप, आशु चौधरी जी से बात हो रही थी पीछे तक की, आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर सभी हमारे इस कार्यक्रम को जो किसान की बात करेगा और
सुनिए भैया, तो शुरुआत हुई है। एक एक भ्रष्टाचार का हिसाब देना पड़ेगा इन भ्रष्ट अधिकारियों को, और जब तक हिसाब नहीं लेंगे भारतीय किसान यूनियन और राजनीति का एक एक कार्यकर्ता बैठेगा नहीं। आज के बाद 25 तक की लिस्ट बनाओ। राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान हुआ है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आह्वान है, इन भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट बनाकर शासन को दीजिए, प्रशासन को दीजिए। जय किसान, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, आशु भैया सबके साथ। इसी क्रम में किसान यूनियन राजनीतिक के निभाई। आज हम शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं, हमारी माताएं बहनें घर से निकल के आके यहाँ बैठी हुई हैं, वो आंख बंद करके शासन प्रशासन देख नहीं पा रहा है कि घर की महिलाएं आकर के यहाँ आज बैठी हुई हैं। ये शासन प्रशासन किस नींद में है, किस ख्वाब में सोया हुआ है? ये भ्रष्ट अधिकारी, कब इनके कानों तक हमारी आवाज जाएगी, कब इनके कानों तक हमारी आवाज पहुंचेगी? आज मैं इस कड़ी में कहना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो कि यहाँ मौजूद नहीं है, उनका आह्वान है कि आज माननीय आशु चौधरी जी जिनके नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अब हमारे आशु चौधरी जी चाहते हैं कि जब तक हम लोगों की आवाज इन बहरे, इन गूंगे, इन अधिकारियों तक नहीं पहुंच जाती है, तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और मैं कहना चाहता हूँ आप सभी भाइयों से कि प्राण निश्चय ले लीजिए कि यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारी आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच जाती है। ये शासन प्रशासन के लोग अभी हमारी ताकत को जानते नहीं है, किसानों की एकता को जानते नहीं है कि किसान अगर एक बार बैठ गया तो वो उठने का नाम नहीं लेगा। और मैं चाहता हूँ कि शासन प्रशासन के कुछ अधिकारी अगर मौजूद हो तो ये बात सुन लें और देख लें कि घरों की महिलाएं यहाँ तक चल के आई हैं। अरे कम से कम शर्म करो शासन प्रशासन के लोगों, आ करके कुछ ना कुछ तो कह दो। जय जवान, जय जवान, आशु चौधरी, आशु चौधरी। मांगे ये हैं कि जैसे जनपद में लगभग 100 गौशालाएं हैं बनाई गई, हर गौशाला का एक बजट आवंटन होता है और उसका पैसा आता है, वो पैसा कहाँ जाता है? अब बात सोचिए, जानवर के हक का जो चारा आता है वो तक अधिकारी खा लेते हैं। तो हमारी भैया ये मांग है कि अगर सरकार ने गौशालाएं बनाई हैं तो हमारे खेतों में जानवर क्यों हैं? ये सवाल पूछने आया हूँ मैं। डीएम साहब, जिसने भी खाया है वो निकालेगा भी है भैया। जय जवान, जय जवान, दोनों हाथ उठा के नारे लगाओ भाई। जय जवान, जय जवान, जो किसान की बात करेगा जब तक दुखी किसान रहेगा। किसान नहीं अन्नदाता है, किसान नहीं अन्नदाता है। लेकर जितनी योजनाएं आती हैं उस योजनाओं के बगल में प्रचार प्रसार का पैसा आता है। पूछे किसान भाइयों से, किसी गांव में किसी योजना का प्रचार प्रसार हुआ है? पूछिए, हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे बोलो कैसे हुआ कि नहीं हुआ है? आप बताइए, जब प्रचार प्रसार नहीं है। और सुनिए, अधिकारियों ने किसानों का जो हक खाया है वो इसलिए खाया क्योंकि किसान अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है। और हमारे शिक्षा के हक में भी डकैती डालते हैं कि अगर हमारे बेटे पढ़ लिए, किसान का बच्चा पढ़ लिया तो कल हमसे पूछेगा कि ये पैसा कहाँ गया, जैसे हम पूछ रहे हैं थोड़ा पढ़े लिखे हैं। लेकिन चंद लोगों ने, राजनीतिक पार्टियां हाइजैक करके उस आंदोलन के रूप को बदल दिया गया। आज सोचिए, अभी धान कटेगा लेकिन इसका 40-15 दिन खड़े रहो, आलू खुदा महीना खड़े रहो,
इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए ये बिल लाया गया था। बिल में बहुत सारी चीजें अच्छी थी, कुछ चीजें खराब थी, जिस पर बैठ कर बात हो जाती तो शायद हमारे उत्पाद हमारे खेत से बिक जाते, लेकिन नहीं, वहां माहौल बना दिया गया, नहीं बिल काला बिल है, पीला बिल है, नीला बिल है, खत्म करो। उन्होंने अपनी जेबें भर ली बिल के नाम पर। आज आप ट्राली ट्रैक्टर मांग मांग के खड़े हो, धान लादते, गेहूं लादते, आलू लादते, ये किसने किया? राकेश शिकायत ने। इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे संगठन के सभी अगुवाओं ने उनको अलग किया और कहा कि जो किसान की बात करेगा हम उसके साथ। इसलिए संगठन की जो विचारधारा है वो विचारधारा है कि हम किसान के हरे मुद्दे को, अभी आपने देखा बिजनौर में चंदुए का आतंक था, हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह यादव ने तुरंत जाके वहां से मचान मचान की व्यवस्था करा के और चंदुए को पकड़ने की व्यवस्था कराई। हर एक समस्या पे हम लोग बात करते हैं, लेकिन लोगों को छलने का काम किसान नेताओं ने किया। 13 महीने आंदोलन हुआ, 700 किसान मर गए, उन किसान की मौतों का जिम्मेदार कौन है? हम आप। और सुनिए, कई किसानों ने अपने केसीसी से 10-10, 15-15, 5-5 लाख रुपए निकाल के किसान आंदोलन में दे दिए कि नहीं, हमारी लड़ाई है। लेकिन जब बाद में पता चला तो वो लड़ाई हमारी नहीं थी, वो लड़ाई सिर्फ गांधी जी की थी। उन्होंने गांधी जी लेके हमको सबको हमारे विश्वास को बेच दिया गया। देखा आपने, 5 रुपए का लाभ मिला। हम भी गए थे आंदोलन में, जिला बॉर्डर भी रहे, उसके बाद हम गाजीपुर बॉर्डर भी गए, लेकिन हमने जब देखा वहां पर तो बहुत सारी चीजें आई। और सुनिए भाई, अगर जो हम धान बेचते हैं सरकार से पैसा मिलता उस पर भी गांधी जी छपे होते नहीं होते? गांधी जी होते ना, और जो प्राइवेट एजेंसी खरीदती जो पैसा देती उस पर भी गांधी जी होते। तो हमें तो अपने उत्पाद की सही कीमत चाहिए ना, सही कीमत चाहिए। तो सही कीमत हमें अगर मिल रही तो क्या दिक्कत थी? और बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं किसान भाई, जिनके पास संसाधन आज भी नहीं है। धान पैदा होगा लेकिन ट्रैक्टर नहीं है, ट्राली नहीं है, व्यवसाय नहीं है, ऐसा है कि नहीं है? तो आप सब लोग आज के बाद प्रदेश अध्यक्ष जी का जो आदेश है जनसंपर्क का, 25 सितंबर सरकार से सीधी बात होगी। और आज का जो मुद्दा है अध्यक्ष जी, बिंदुओं को उन्होंने संज्ञान में लिया है और उन पर कार्रवाई क्या होगी, कैसे होगी कर दूंगा। तो इसमें जिलाधिकारी महोदय ने कल ही पीसी किया है, इसका समाधान एक दो दिन में हो ही है। निजी स्तरों सरकारी स्तरों में जो आधार कार्ड हो रही है उससे हम और एसएचओ साहब के मैडम ने अभियान चला रखा है। वहाँ पर कई एम्बुलेंस 20-25 एम्बुलेंस मैंने पकड़ के जो सीन कर रहे हैं, बाकी रोज कार्रवाई हो रही है। मैं इस चीज में डीएम साहब से बात करके इसका समाधान करूँगा। आरटीओ ऑफिस में कार्रवाई मुझे और सीओ साहब को करनी है, तो इसका भी समाधान आपको सत्ता में मिलेगा। वहाँ पर पहले भी ज्ञापन के पास पहुँच चुका है। बाढ़ प्रभावित जो तहसीलें हैं उसमें डीएम साहब लगभग प्रत्येक सप्ताह में मीटिंग लेते हैं, बल्कि 3-4 दिन मीटिंग लेते हैं, और वहाँ के एसडीएम को बाकी जो भी टीम लगी हुई है, जिला की है, बाढ़ की है, उसको सबको निर्देश देते रहते हैं कि क्या आपको करना है। जहाँ तक ट्रेनों की सफाई के बारे में, तो ट्रेनों की सफाई के बारे में खाना के लिए हल्ला बोल बोल।